रियासती काबीना की मीटिंग में आज 12 तजावीज को दी गई मंजूरी। यूपी पुलिस में दारोगा से इंस्पेक्टर बनने के लिए जरूरी होंगे 35% नंबर। डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन देने को मिली मंजूरी। राजभवन में आज गवर्नर राम नाईक ने अपने 5 साल के मुद्दते कार पर कामकाज से मुतालिक ब्यौरा राजभवन में राम नाईक का किया इजरा। कहा, रियासत को बेहतरीन रियासत बनाने का था ख्वाब। मोटर गाड़ी तरमीमी बिल आज लोकसभा में हुआ पेश। बिल पेश करते वक्त टीएमसी और कांग्रेस ने की इसकी मुखालिफत। वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि मरकज और रियासत को इस मामले पर कानून बनाने का इख्तियार। और तकनीकी खामियों की वजह से चंद्रयान 2 के तजुर्बे को एन वक्त पर रोका गया। चंद्रयान की तजुर्बे गाड़ी में तजुर्बे के 56 मिनट पहले नजर आई थी खामी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। यूपी पुलिस में दारोगा से इंस्पेक्टर बनने के लिए महकमे जाति इम्तिहान में अब सिर्फ 35% नंबर लाने पर भी तरक्की हो जाएगी। इस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में आज लोकभवन में हुई काबीना की मीटिंग में मंजूरी दी गई। अब तक तरक्की के लिए होने वाले 400 नंबर के इम्तिहान में 100 नंबर के पेपर होते थे, जिसमें कामयाब होने के लिए 50% नंबर लाना लाजमी होता था। लेकिन अब 35% नंबर होने पर भी कामयाब तस्लीम किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल 50% नंबर लाना जरूरी होगा। मीटिंग में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अलीगढ़ में महकमे ज़रात की 43.4 हेक्टेयर जमीन को महकमे सनअती तरक्की को मुफ्त ट्रांसफर की मंजूरी दे दी गई। महकमे पसमानदा तबके बहबूद में डिप्टी डायरेक्टर से ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की के सिलसिले में सर्विस रूल्स में तब्दीली जाब्ता न होने के सबब खाली पड़े थे, ये ओहदे अब भरे जा सकेंगे। काबीना की मीटिंग में इसकी मंजूरी दी गई। साथ ही मीटिंग में नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद के लिए म्यूनिसिपल बांड और तरक्याती फंड के लिए क्रिकेटेड रेटिंग को मंजूरी दी गई। पहली बार यूपी में मार्केट से पैसा लिया जाएगा। लखनऊ के लिए 200 करोड़ जबकि गाजियाबाद के लिए 150 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए जाएंगे। गवर्नर राम नाईक ने अपने 5 साल की मुद्दते कार पर अपने कामकाज की रिपोर्ट से मुतालिक किताब राजभवन में राम नाईक का इजरा किया। इस मौके पर गवर्नर राम नाईक ने कहा कि 1978 में जब पहली मर्तबा मुंतखब होकर मैं गया, तब से जवाबदेही के तौर पर मैं आवाम को हर साल कामकाज से मुतालिक रिपोर्ट पेश करता रहा हूं। इस रोल के तहत चाहे जिस भी ओहदे पर रहा, अपने कामकाज से मुतालिक रिपोर्ट पेश करता रहा। उन्होंने कहा कि रियासत को लेकर मेरी कोशिश रही है कि रियासत को उत्तम प्रदेश के अज़्म को लेकर आया था, आज उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर रियासत के तौर पर आप सबके सामने है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में 30,000 से ज्यादा लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जबकि इन बरसों में तकरीबन 3 लाख लोगों के खत मिले हैं। जनता के लिए राजभवन के दरवाजे खुले रखूंगा। राज्यपाल और जनता में एक बड़ा अंतर होता है, इस प्रकार की जन भावना है। उस भूमिका में मैंने वो कहा और अब जब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने के राह पर चल रहा है। और उसमें जैसे रामायण की कथा में सेतुबंध की बात आती है और वह गिरहरी कहती है कि मैं भी अपना योगदान दूँ, तो उस प्रकार का मेरा ऐसा छोटा सा योगदान उत्तर प्रदेश की प्रगति में है। मोटर गाड़ी तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। हालांकि टीएमसी और कांग्रेस ने बिल पेश करने की मुखालफत की है। बिल को पेश करने के बाद नितिन गडकरी ने कहा है कि इस मामले पर कानून बनाने का इख्तियार मरकज को भी है और रियासतों को भी। उन्होंने कहा कि जो रियासतें उन्हें नाफिस करना चाहती हैं, नाफिस करें, इसे नाफिस करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। बिल पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 18 रियासतों के वज़राए ट्रांसपोर्ट की मंजूरी के बाद ही बिल तैयार हुआ है। इस मामले पर स्टैंडिंग कमेटी ने भी गौर किया है। मुझे जानकारी है कि ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण इसमें लेशन करने का अधिकार भारत और भारत सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। पर इसमें से मैं आपसे सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिसका आपने उल्लेख किया था उसमें जो स्टेट इसको करना चाहता है वही कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है।
हर चीज जो है किसी भी प्रकार में इस बिल के द्वारा स्टेट के कोई भी अधिकार हम लेना नहीं चाहते और कोई अधिकार का हस्तक्षेप भी करना नहीं चाहते। चंद्रयान 2 के तजुर्बे को तकनीकी खामियों के सबब फिलहाल टाल दिया गया है। इसके लिए अब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। भारतीय खिलाई तहकीकी तंजीम यानी इसरो ने यह बताया है कि खिलाई गाड़ी में T56 मिनट पर तकनीकी खामी नजर आई, लिहाजा एहतियातन चंद्रयान 2 के तजुर्बे को आज के लिए टाल दिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 की जानिब से भेजा जाना था। श्रीहरिकोटा वाक़े सतीश धवन खिलाई मरकज से आज अलसुबह 2:51 पर चंद्रयान 2 को छोड़ा जाना था, जिस पर पूरे मुल्क की निगाहें लगी हुई थी। 3,850 किलोग्राम वजनी खिलाई गाड़ी को अपने साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लेकर चांद पर जाना था। टेक्निकल स्नैग वाज ऑब्जर्वड इन लॉन्च व्हीकल सिस्टम एट T-56 मिनट्स एज अ मेजर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन चंद्रयान 2 लॉन्च हैज बीन कॉल्ड आउट फॉर टुडे रिवाइज्ड लॉन्च डेट टू बी अनाउंस्ड लेटर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत को गुजरात का गवर्नर बनाया है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। एक के बाद एक सड़क हादसे इंतजामिया के लिए मुसीबत बने हुए हैं। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास लखनऊ के 1090 चौराहा गोमती नगर में मुखालिफ सिम्त से आ रही एक स्कूली वैन की टक्कर रोडवेज की बस से हो गई। ये वैन इंदिरानगर से गोमती नगर जा रही थी, जिसमें 5 स्कूली बच्चे भी सवार थे। हादसे में 3 स्कूली बच्चे और वैन का ड्राइवर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने सिविल अस्पताल पहुंचकर जख्मियों को और उनके अहल खाना से मुलाकात की और जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह हादसा वैन ड्राइवर की गलती से हुआ है, जिसके लिए वैन ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। वैन ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और वैन की फिटनेस की जांच कराई जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से बताया गया कि आज से मुहिम चलाकर स्कूली गाड़ियों की फिटनेस की जांच कराई जाएगी और उनके ड्राइवर के दस्तावेजों को भी देखा जाएगा, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। लखनऊ में गोमती नगर में 1090 चौराहे की घटना है और सुबह करीब 7:30 बजे 5-6 बच्चों को लेके एक स्कूल वैन इंदिरा नगर की तरफ से गोमती नगर जा रही थी, उसी ने रॉन्ग साइड में जाते हुए एक रोडवेज बस से टक्कर मार दी और इसमें जो वैन है उसके जो 4-5 बच्चे बैठे थे उसमें से 3 लोग माइनर इंजर्ड हुए और जो ड्राइवर खुद है वो माइनर इंजर्ड हुआ है। चारों का ट्रीटमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में चल रहा है और चारों ही खतरे से बाहर है और दोपहर के बाद तक लगभग सारे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसमें वैन चालक है उसकी गलती पाई गई है, वैन की फिटनेस वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह उसे करा लिए गए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन पूरी तरह इसमें गलती ड्राइवर की होने की वजह से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और इसमें और भी हम लोग आज औसत सबके लाइसेंसिंग चेक करा के इन वैन की रैंडम चेकिंग करा रहे हैं कि कैसे ड्राइवर हैं वो लाइसेंस वाले हैं या बिना लाइसेंस वाले हैं, इन्हें कोई इशू नहीं है, इन सब लोगों पर भी आज पूरी कार्रवाई कराई जा रही है। फिटनेस की चेकिंग सारी की सारी छुट्टियों में कराई गई थी, उनको भी दोबारा दिखाया जा रहा है कि सभी स्कूल के 100% वैन फिटनेस के लिए हो गई है सर्टिफाई या उसमें। जहेज में बाइक का मुतालबा पूरा न होने पर निकाह के 24 घंटे में ही तलाक का मामला सामने आया है। चौथी की तैयारी के दरमियान बेटी को तलाक दिए जाने की इत्तला से अहल खाना के लोग गमजदा हो गए। वहीं लड़की की इस हरकत से नाराज वालिद ने लड़के के खिलाफ थाने में मामले की तहरीर दे दी है। मामला बाराबंकी के फतेहपुर कोतवाली हलके के हसनपुर टांडा का है। यहां के रहने वाले कुतुबुद्दीन की बेटी रुखसाना बानो का निकाह जहांगीराबाद थाना हलके के सिद्दीपुर गांव के रिहायशी शाह आलम के साथ 13 जुलाई को हुआ था। वहीं इस मामले में फतेहपुर के CO अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जहेज की मांग को लेकर तलाक का मामला सामने आया है। लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ जहेज इस्तेहसाल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले की जांच में जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कोतवाली फतेहपुर में तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कल शादी हुई थी और आज उन्होंने तलाक दे दिया है। इस समय में जो तहरीर उन्होंने दी है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आगे नियमानुसार कार्रवाई।
गोंडा जिले में मुसलसल बारिश और पहाड़ी पानी आने से घाघरा नदी में मुसलसल आबी सतह में इजाफा होने से नदी खेत खलिहानों को काटकर अपने बहाव में शामिल कर रही है, जिससे लोग खौफजदा हैं। गोंडा जिले के तुरबगंज और करनैलगंज तहसील में घाघरा नदी हर साल कहर बनकर आती है और लाखों लोग इससे मुतासर होते हैं। फिलहाल जिले में मुसलसल बारिश और नेपाल की पहाड़ियों से आने वाले पानी से घाघरा पूरी तुगयानी पर है, जिसकी आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आबी सतह में इजाफा होने से कटान भी तेज हो गई है। कुछ लोग पहले से बांध पर पनाह लिए हुए हैं। इन पनाह गजीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें कोई सहूलत नहीं फराहम कराई जा रही है। हालांकि इंतजामिया हर सतह पर तैयारी और मदद करने का दावा कर रही है। एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इधर बारिश से आबी सतह में इजाफा हुआ है, रोजाना नदी का मुआयना भी कर रहे हैं। बचाव होगा, जब कटेगा नहीं तो बचाव होगा, अगर कट गया तो सब बेकार हो जाएगा। हमका सबका घर चाहिए, कॉलोनी चाहिए, बिछुआ जमीन तीन तीन बिछुआ मिल जाए, घर कुरिया बनवाए कहीं हम बंदा पर परे हम तब बहु। देखिए घाघरा का जलस्तर पिछले दो तीन दिनों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी सुबह का जलस्तर 105.5 रहा है, 106 के आसपास उसका खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है 106 के बाद। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर बाढ़ की स्थिति ग्राम नकहरा या और अन्य ग्रामों में आता है तो जो नया ब्रिज बनाया जा रहा है एल्गिन चरसड़ी रिंग रोड रिंग बांध, पहले तो बाकी गांव सुरक्षित रहेंगे इससे जहां तक उम्मीद है। बाकी जो नकहरा में ज़्यादा बाढ़ का असर रहता है उनके पशु और वो जो व्यक्ति हैं वहां पे उनको विस्थापित कर उनको नई जगह पे कहीं सुरक्षित जगह पे रख करके उनके पोषण की व्यवस्था की जाएगी। इंग्लैंड ने क्रिकेट आलमी चैंपियन का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। इंग्लिश टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। सुपर ओवर में किए गए इस मुकाबले में मैच टाई रहा, लेकिन इंग्लिश टीम और सुपर ओवर में ज्यादा बाउंड्री की बुनियाद पर इंग्लैंड फाइनल मैच का फतेह बनकर सामने आया। विश्व क्रिकेट पर राज करने का अंग्रेजों का सपना आखिरकार 44 साल के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के मैदान पर पूरा हुआ। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सामने आया। सपना बड़ा था इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से दिखी। टॉस हार कर गेंदबाजी करने उतरी इंग्लैंड को पहली सफलता क्रिस वोक्स ने दिलाई, जिन्होंने 19 के स्कोर पर मार्टिन गप्टिल की इनिंग पर ताला जड़ दिया। लेकिन कप्तान केन विलियमसन ने हेनरी निकोल्स के साथ पारी को संभालने का काम शुरू किया और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 74 रन की पार्टनरशिप सामने दिखी। इस बनती हुई साझेदारी को झटका दिया लियाम प्लंकेट ने, जिन्होंने 30 के स्कोर पर विलियमसन का विकेट झटक कीवी टीम की दिक्कत को बढ़ा दिया। यहां पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हेनरी निकोल्स पर थी, लेकिन अर्धशतक में 5 रन और जोड़ते ही 55 पर वो भी प्लंकेट का शिकार बने। यहां से जरूरत एक अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन रॉस टेलर खड़े नहीं उतरे और 15 पर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की ओर से थोड़ा बहुत संघर्ष टॉम लैथम ने दिखाया और 56 गेंद पर बेहद जरूरी 47 रन की पारी खेली। लैथम 47 रन पर आउट हुए तो वहीं जेम्स नीशम और कॉलिंडी ग्रैंड होम ने 1916 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 241 रन का स्कोर किया और 242 रन का टारगेट रखा। कीवी टीम ने फाइटिंग स्कोर तो जरूर किया और उसी हिसाब से कसी हुई गेंदबाजी करके इंग्लिश टीम को परेशान भी रखा, जिसका असर जेसन रॉय की इस विकेट के रूप में सामने आया, जो 17 पर मैट हेनरी की गेंद पर लैथम को कैच दे बैठे। जॉनी बेस्टो ने अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन जो रूट के रूप में इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लगा। लॉकी फर्ग्यूसन और जेम्स नीशम ने जॉनी बेस्टो और इयान मॉर्गन का विकेट निकाल इंग्लिश टीम को गहरे संकट में डाल दिया, जिसे उबारने का काम बेन स्टोक और जोस बटलर की जोड़ी ने किया। 5वें विकेट के लिए इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी सामने आई। बेहद दबाव के बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरे किए, लेकिन प्रेशर के बीच जोस बटलर 59 पर अपना विकेट इस अंदाज में गवा बैठे। पल पल रोमांच की ओर बढ़ते इस मैच में एक तरफ रन आए तो दूसरी ओर विकेट भी गिरे। आखिरी ओवर में हुए इस ओवर थ्रो ने इंग्लैंड की मैच में वापसी करा दी। आखिरी गेंद पर इंग्लैंड को 2 रन चाहिए थे, लेकिन एक ही रन सामने आया और इंग्लैंड की आखिरी विकेट भी सामने आ गई। मैच टाई हुआ और मुकाबला सुपर ओवर में गया, जहां एक बार फिर रोमांच सिर चढ़कर बोला
और न्यूजीलैंड के सामने 16 रन का टारगेट सेट हुआ, जहां मुकाबला फिर टाई हुआ, लेकिन इनिंग्स और सुपर ओवर में ज्यादा बाउंड्री के बल पर इंग्लैंड विश्व चैंपियन बन गया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई, अगला बुलेटिन 8:15 पर नष्ट किया जाएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आदाब।